सब्सक्राइब कीजिए तारा मधु की रसोई चैनल न्यू रेसिपीज और इनोवेटिव कुकिंग आइडियाज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से तारा मधु की रसोई चैनल से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर, जिसे हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से एक ट्विस्ट के साथ। और ये बनकर के तैयार होगा इतना स्वादिष्ट, इतना लाजवाब कि आप इसे कभी भी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। पूड़ी हो, पराठा हो या फिर नान हो, जीरा राइस हो, इन सब के साथ तो इसके खाने का मजा दुगना हो जाता है। बच्चों की तो ये एकदम फेवरेट डिश होती है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए जान लेते हैं अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने यहाँ पर 3 सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि प्याज लिया है डायमंड शेप में कटा हुआ, ऐसे ही शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, साथ ही मैंने लिया है पनीर एकदम डायमंड शेप चौकोर कटा हुआ, साथ ही लिया है अदरक लहसुन और का पेस्ट, साथ ही 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, सॉसेज में लिया है सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और टोमेटो सॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस मज़ेदार रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और अब इस तेल को गरम कर लेते हैं। गरम होते ही मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और इसे हल्की आंच पर हल्का सा सॉटे करते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसे ही ये हल्का सा लाइट ब्राउन कलर ले लेगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज, जिसे हमने डायमंड शेप में कट किया हुआ है। आप जब भी चिली पनीर बनाएं इसी तरीके से सब्जी कट करें, इससे सब्जी बहुत सुंदर भी दिखती है और बहुत स्वादिष्ट भी बनती है। और देखिए प्याज हमारा हल्का ट्रांसपेरेंट कलर में आ चुका है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च, अगर आपके पास और शिमला मिर्च हो तो डाल सकते हैं। टमाटर मैं अभी इसमें ऐड नहीं करूंगी, पहले हम शिमला मिर्च को पका लेते हैं क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाता है। तो पहले शिमला मिर्च को हम सॉटे करेंगे। शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर बिल्कुल डायमंड शेप में कटा हुआ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। सोया सॉस इस रेसिपी में बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से जरूर डालें। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी टमाटो सॉस 1 बड़ा चम्मच, इससे इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसीलिए ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच विनेगर। साथ ही इसमें अब हम थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा सा नमकीनपना होता है, तो आप नमक उसी हिसाब से डालिएगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आपको जितनी मिर्ची पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा। और बस अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया से एक मिक्स दे देंगे। सब्जियां हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस हमें इन्हें थोड़ा सा और पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 चम्मच और इसको हम ठंडे पानी में पहले घुल लेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है। ठंडे पानी में घुलने से इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, तो आप हमेशा कॉर्नफ्लोर में ठंडा पानी ही ऐड करें, गर्म पानी कभी भी ऐड ना करें। तो देखिए मैंने डाल दिया है लगभग 2 से 3 चम्मच पानी, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। और मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी हो तो चल जाएगा क्योंकि थोड़ी देर में ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा डायमंड शेप में कटा हुआ पनीर। पनीर को हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि पनीर को पकाने में ना टाइम लगता है और ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे हमेशा एंड में डालें। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सारी चीज़ें अब लगभग पक चुकी हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा चिली पनीर। इसे हम ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ते हैं और फिर सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है आपका गर्मा गर्म चिली पनीर। इसे आप खाइए नान के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या जिसके साथ भी आपको ये पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। तो बनाइए इस सिंपल सी रेसिपी को चिली पनीर की और अपना फीडबैक मुझे जरूर देते रहिएगा। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।